और चौथी सेवा है सूरत की सेवा, कि अपनी आत्मा की ओर ध्यान दें। बार 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 हमें समझाया गया है, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज भी फरमाते थे कि शरीर को तब तक खुराक ना दो जब तक आत्मा को उसकी खुराक ना मिले। तो आत्मा की खुराक क्या है? भजन करना, सिमरन करना, शब्द के साथ जुड़ना, कि हम रोजाना बाकायदगी से समय निकालें और अपनी सूरत की सेवा करें। ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की ओर करें। कब होगा? जब हम सिमरन को पक्का कर पाएंगे, जब हमारा सिमरन सही तरीके से चलेगा तभी हमारा ध्यान टिक पाएगा, और जब ध्यान टिक पाएगा तभी हम शरीर से ऊपर उठने के लायक होंगे। क्योंकि अगर ध्यान टिकेगा तो रोशनियां, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य को पार करते हुए हम अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंचेंगे, और फिर उनकी मदद से हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक होंगे। तो सूरत की सेवा, अपने आप को एकाग्र करना, शरीर से ऊपर उठना, उस अवस्था में पहुंचना जहां पर हम अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंचे, वो सेवा हमारे हिस्से की है, वो हमने करनी है, वो हम में से सब कर सकते हैं। और वो भाई बहन जो बाकायदगी से रोजाना समय भजन अभ्यास के लिए निकालते हैं, वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तो यहां पर गुरु रामदास जी महाराज हमें ये समझा रहे हैं कि सद्गुरु सेवा सफल है बनी, कि सद्गुरु की जब हम सेवा करेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। हर एक किस्म की सेवा, चाहे वो लंगर में हो, चाहे पंडाल में हो, चाहे सिक्योरिटी में हो, चाहे हम कॉरेस्पॉन्डेंस में लगे हुए हैं, चाहे हम वीडियोस में कर रहे हैं, चाहे ऑडियो में कर रहे हैं, चाहे प्याऊ पे लगे हैं, चाहे हम धन से सेवा कर रहे हैं, ट्रेडर्स में लगे हुए हैं, चाहे हम मन से सेवा कर रहे हैं, बाहर की चीज़ों में लगे हुए हैं, तन से सेवा कर रहे हैं, सूरत की सेवा हर एक इंसान कर सकता है। हमें अंदर की दुनिया में बढ़ना है, समय निकालना है ताकि हम मंजिल तक पहुंच पाए। और इसलिए फरमाया गया कि सद्गुरु सेवा सफल है बनी, कि सद्गुरु की अगर सेवा करेंगे तन मन धन और सूरत से, तो फिर हमें सफलता जरूर मिलेगी। और फरमा रहे जित मिल हर नाम ते आया, हर धनी, कि सद्गुरु जो मिलता है तो क्या होता है? ये किस मिलने की बात कर रहे हैं? पहले तो हम सद्गुरु के बारे में जानकारी किसी से पाते हैं, फिर सत्संगों में आते हैं, फिर भारी रूप से उन्हें देखते हैं, फिर सत्संगों के जरिए हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर लगता है, फिर हम नाम की देन के लिए आते हैं। जब नाम की देन मिलती है तो फिर हम अंदर में उनके नूरी स्वरूप को पाते हैं। नामदान के दिन ही उनका नूरी स्वरूप यहाँ शिव नेत्र पर टिक जाता है। और जब हम एकाग्र होकर बैठते हैं, बाकायदगी से बैठते हैं, रोजाना बैठते हैं, तो उस स्टेज तक पहुंच जाते हैं जब अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंचे। और फिर वही मिलन सद्गुरु का मिलन है अंदर की दुनिया में, जब हमारी आत्मा उनके नूरी स्वरूप का अनुभव करती है। तो जित मिल हर नाम ते आया, वो कैसे मिलता है? जब हम सिमरन करते हैं, मन को शांत करते हैं। सिमरन क्या है? प्रभु के नाम का जाप जो हमें देते हैं नामदान के दिन, तो वो मन ही मन हम करते हैं, हमारा मन शांत होता है, हम यहाँ एकाग्र हो सकते हैं, और तभी हम पिता परमेश्वर के हर धनी, जो कुछ इस धरती पर पाने के लिए आए वो सब हमें मिल जाता है। जब वो हमें अंदरूनी यात्रा पर ले जाते हैं, सचखंड में पहुंचाकर हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में करा देते हैं। यहाँ पर
गुरु रामदास जी महाराज हमें ये समझा रहे हैं सेवा भाव कितना जरूरी है और उसके जरिए क्या क्या हम पा सकते हैं। इस जहां का और उस जहां का दोनों का धन, जो अपनी आत्मा को 84 लाख जिया जून से छुटकारा दिलवाना। आगे फरमा रहे हैं, जिन हर जपया तिन पीछे छूटी घनी। फरमा रहे कि जिन्होंने प्रभु के नाम का जाप किया, जिन्होंने सिमरन किया, तो उनसे जो मन माया का मोह है वो छूट जाएगा। अभी मुश्किल क्या है कि मन के जरिए मोह इस दुनिया के साथ हमारा लगा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार ने हमें घेरा हुआ है। हम इस दुनिया को असली समझ चुके हैं और सारा समय इस दुनिया के कार्यों में ही लगा देते हैं। अगर सोचें कि सुबह से शाम तक हमने क्या किया, तो हम देखेंगे कि हमारा सारा समय इस दुनिया की किसी ना किसी चीज में निकल जाता है। हम इस धरती पर पिता परमेश्वर को पाने के लिए आए हैं, ये हम भूल जाते हैं। तो यहां पर गुरु रामदास जी महाराज समझा रहे कि जिन हर जपया, कि जिन जिन भाई बहनों ने सिमरन किया, प्रभु के नाम का जाप किया, भजन अभ्यास किया, अपने ध्यान को बाहर से हटाकर अंदर की दुनिया में पहुंचे, तिन पीछे छूटी घनी, के उनका ही लगाव पिता परमेश्वर से होगा और मन माया का जो मोह है जो उनको दुनिया के साथ जोड़ता रहता है वो हटना शुरू हो जाएगा, वो छूट जाएगा। हमारा मोह है दुनिया के लिए, क्योंकि इसको हम असली समझते हैं, जो हमें दुनिया के साथ जोड़े हुए हैं। तो यह समझा रहे हैं कि कैसे उस मोह को तोड़ा जाए, कि सिमरन किया जाए। इसलिए बार 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 हमें समझाया जाता है कि हम दिन भर सिमरन करें, जब जब मौका मिले सिमरन करें। क्यों? कि ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो। गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया है कि जिन नाम ते आया गए मुसक्कत काल, कि 84 लाख जिया जून से मुसक्कत ढाल किसका होता है, 84 लाख जिया जून छुटकारा किसको मिला, जिन नाम ते आया, जिसने सिमरन किया। और वही अपने आप को उज्जवल समझेंगे कि नानक के मुख उजले केती छुटी नाल। जब इस जिंदगी का अंत होगा, वही ऐसे होंगे जिन्होंने अपने मकसद को पाया होगा। अगर हम इस दुनिया में आकर भी पिता परमेश्वर को पा ना सके, तो इस सुनहरा मौका हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो इसीलिए यहां पर गुरु रामदास जी महाराज भी फरमा रहे हैं कि जिन हर जपया तिन पीछे छूटे घनी, के मन माया जो हमें खींच रही है उससे छुटकारा पाने के लिए हम सिमरन करें, ध्यान पिता परमेश्वर की और करें। और आगे फरमा रहे हैं कि गुरसिख हर बोलो मेरे भाई, हर बोलत सब पाप ले जाए। तो फरमा रहे हैं कि गुरु का सच्चा सिख कौन है, सच्चा शिष्य कौन है, कि हर बोलो मेरे भाई, कि प्रभु के नाम का जाप करें, ध्यान प्रभु की ओर करें, अटेंशन परमात्मा की ओर हो। बार 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 यही समझाया जाता है कि इस धरती पर आए हैं तो ध्यान दुनिया से हटाकर प्रभु की ओर करें, और हर बोलत सब पाप ले जाए। कि जब ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करते हैं तो जितने भी पाप हैं वो सब के सब कट जाते हैं। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज फरमाते थे कि जब हम सिमरन करते हैं तो हमारे रोजाना के कर्म, जो क्रियामान कर्म है, रोजाना हम सोचते हैं, हम बोलते हैं, हम कार्य करते हैं, रोजाना कर्म होते हैं, वो रोज के रोज कटने शुरू हो जाते हैं। जब हम भजन अभ्यास में बैठते हैं और सिमरन करते हैं तो हमारे कर्म कटते हैं,
तो बार 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 जब हम महापुरुषों की वाणियां पढ़ते हैं तो सेम चीजें हमें सुनने को मिलती हैं, कोई यहां से, कोई यहां से, कोई यहां से। इसीलिए सिमरन करना, ध्यान टिकाना, भजन अभ्यास करना, इस पर जोर दिया जाता है। आगे फरमा रहे हैं कि जब गुरु मिलिया तब मन बस आया। मन को बस में करना कोई आसान काम नहीं है। हम सोचें कि अपने आप मन को बस कर लेंगे तो नामुमकिन है। हमारी आत्मा करोड़ों सालों से प्रभु से अलग हुई है, और अपने आप ही हमने प्रभु को पा लिया होता तो हम कब के वहां पहुंच गए होते। इसीलिए यहां फरमाया गया कि जब गुरु मिलिया तब मन बस आया, कि जब गुरु से हमारी मुलाकात हुई, वो कौन सी मुलाकात, बाहर के नहीं, यहां शिव नेत्र पर, दसवें द्वार पर, तभी मन काबू में हो गया, तभी वो हमें फिर अपने साथ अंदर की दुनिया में ले जाएंगे। और आगे फरमा रहे हैं, धावत पंच रहे हर ध्याया, अंध नगरी हर गुण गाया। कि जो पांच इंद्रियां हैं जिन्होंने जहर हमारी जिंदगी में घोला हुआ है, कि ये जो पांच इंद्रियां हैं जो हमें प्रभु से मिलने से रोक रही हैं, जो हमारे ध्यान को बाहर की दुनिया में लेके जा रही हैं, रुक जाएंगी, ये शांत हो जाएंगी जब गुरु की ओर ध्यान जाएगा, उनसे मुलाकात होगी, और जब हम प्रभु के नाम का जाप करेंगे। तो सिमरन की ओर जोर दिया गया कि सिमरन करें, जिस ओर हम ध्यान देते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। तो प्रभु के नाम का जाप करें, और अंध नगरी हर गुण गाया, तो क्या होगा कि जो शरीर रूपी नगरी है जिसमें हमारी आत्मा बस रही है, उसमें हम हरि के गुण गाने शुरू हो जाएंगे। कि ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होगा। इस वक्त क्या हो रहा है, इस शरीर रूपी नगरी में जिसमें हमारा ध्यान है, कभी मूवी के गाने चल रहे हैं, कभी इस चीज की बात हो रही है, कभी दुनिया की चीज की बात हो रही है, कभी किसी और चीज की बात हो रही है, तो वो ध्यान जो बाहर की दुनिया में हटेगा और अंदर में पिता परमेश्वर की ओर ध्यान जाएगा। तो हम पिता परमेश्वर के गुणगान करेंगे, उनके नाम के साथ जुड़ेंगे, और हम फिर 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाने के लायक होंगे। आगे फरमा रहे हैं कि सदगुर पग धूर जिना मुख लाई, तिन कूर ते आगे हट लिव लाई, ते हर दरगा मुख उज्जवल भाई। कई बार जब महापुरुष कुछ कह जाते हैं हम उसको लिटरली ले लेते हैं। अगर खाली बार बार में सोचेंगे, हम सोचेंगे कि जिन्होंने अपने सदगुरु के पैरों की धूल को अपने यहां माथे पर लगाया, दिल से लगाया, ये यहां मतलब नहीं है। हम बाहर की क्रिया में रह जाते हैं, अंदर की दुनिया तक पहुंचते ही नहीं। तो यहां क्या समझा रहे हैं, सदगुरु पग धूर, वो समझा रहे हैं कि जो अपने गुरु का नूरी स्वरूप हमारे अंदर है, जब हम शरीर से ऊपर उठते हैं उस तक पहुंचते हैं, तभी वो हमारे अंग संग होते हैं, हमें अपने साथ लेके जाते हैं। कि सदगुरु पगधुर जिन मुख लाई, तो जब हम अपना ध्यान टिकाकर यहां आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य को पार कर अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंचते हैं, तो उस अवस्था की बातचीत कर रहे हैं कि तिन कूड़ ते आगे हट लिव लाई। तो कूड़ क्या है, दुनिया के साथ लगाव, वही हमें प्रभु से दूर कर रहा है। तो सिमरन करके जब एकाग्र यहां शिव नेत्र पर होंगे, अपने गुरु तक पहुंचेंगे, तो दुनिया का लगाव खुद ब खुद दूर हो गया होगा। तो ते हर दरगाह मुख उज्जवल भाई, तो कह रहे हैं तभी जब प्रभु की दरगाह में पहुंचेंगे, आखिरी क्षण इस दुनिया में हमारा जब होगा मौत के समय, तो मौत के समय तो यही पूछा जाएगा कि तुमने जिंदगी भर किया क्या, हमारे कर्मों का हिसाब किताब। तो वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, जिन्होंने सेवा की, जो अपनी सूरत की सेवा करते रहे, जो लिखा है कि ते हर दरगाह मुख उज्जवल भाई,
कि तभी हम प्रभु की दरगाह में एक उज्जवल मुंह के माफक होंगे, सफल होंगे कि हमने जो कार्य करने के लिए हमें भेजा गया था वो पूरा किया। अगर हमें कोई काम दिया जाता है करने के लिए, जब वो करके आते हैं बड़े खुश होते हैं, अगर ना करा तो कहते हैं यूं मुंह लटका के पहुंच जाते हैं। तो वो एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि हमारा मुख उज्जवल कब होगा, जब वो कार्य पूरा होगा। तो उस कार्य को हमें पूरा करना है, अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंचना है। और आखिर में गुरु रामदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि गुरु सेवा आप हर भाव है। और फिर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कृष्ण बलभद्र गुरपग लग ध्यावे, नानक गुरमुख हर आप तरावे। तो फरमा रहे हैं कि जब हम गुरु की सेवा करते हैं तो वो पिता परमेश्वर को बहुत अच्छी लगती है कि गुर सेवा आप हर भावे, के हरि को क्या बात है, पिता परमेश्वर को क्या भाता है कि हम जिस मकसद से यहाँ आए वो पूरा हो। वो तो चाहते हैं हम 84 लाख जियाजन से छुटकारा पाए, वो चाहते हैं हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो। तो यहाँ ये समझा रहे कि गुर सेवा आप हर भावे, कि जब हम अपने सदगुरु की सेवा करते हैं तन मन धन और सूरत से, तो वो हरि को भाती है, पिता परमेश्वर को वो अच्छी लगती है। खुशियां तब मिलती हैं जबकि सेवा भाव से इंसान जीता है। तो वो एग्जाम्पल यहां दिए जा रहा है कि प्रसन्नता प्रभु को कैसे मिलती है। और आगे फिर मैं नानक गुरमुख हर आप तराए, कि गुरमुख कौन है, जिसका मुख गुरु के जैसा, उसका मतलब क्या हुआ, जो अपने गुरु के बताए हुए तरीके से जिंदगी जीता है, जो उनके वचनों पर अमल करता है। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार फरमाते थे, इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स, राम मुझसे प्रेम करते हो मेरा कहना मानो। तो उनका कहना क्या था, भजन करो सिमरन करो। तो एक गुरमुख अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलता है। तो फरमा रहे नानक गुरमुख हर आप तरावे, कि ऐसे गुरमुख को पिता परमेश्वर खुद ही खुद तराते हैं, 84 लाख जिया जी उनसे छुटकारा दिलवा देते हैं। तो इस शब्द के जरिए गुरु रामदास जी महाराज हमें जो जिंदगी का मकसद है, जो अपने आप को जानना और पिता परमेश्वर को पाना है, उस मकसद को हम कैसे पूरा कर पाए वो समझा रहे हैं कि सदगुरु सेवा सफल है बनी, कि हम सेवा में लगे। हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें पिछली सेंचुरी के महापुरुष हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, उनके दर्शनों का मौका मिला। बहुत से भाई बहन हैं जिनको इन महापुरुषों के जरिए नाम की देन मिली, और इन महापुरुषों की दया मेरी इतनी हुई कि हम में से कईयों को सेवा का मौका मिला। तो हम उस सेवा का पूरा पूरा फायदा उठाएं, अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाएं। तो मेरी ये पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, इनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जैसे गुरु रामदास जी महाराज इस शब्द के जरिए हमें सेवा का महत्व समझा रहे हैं, तो हम सब निष्काम सेवा कर पाए। हम जाने कि जब हमें सेवा का मौका मिला है तो वो एक सुनहरा मौका है। हम जाने कि सेवा निष्काम होनी चाहिए, तभी हम देखेंगे कि हम जिस मकसद से यहाँ आए हैं वो हमारे लिए जरूर सफल होगा।